वैक्सीन प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए आज एक ज्ञापन डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से वैक्सीन प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठाए और मांग की गई कि प्रदेश सरकार वैक्सीन की अनियमितताओं को दूर कर जल्द सभी लोगों को वैक्सीन लगवाए। हमीरपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष रजिंदर जार की अध्यक्षता में आए प्रतिनिधिमंडल ने डीसी को ज्ञापन सौंप कर वैक्सीन मुद्दे पर राष्ट्रपति के हस्तक्षेप करने की बात कही है। जार ने कहा कि प्रदेश सरकार के ढुलमुल रवैये से नहीं लगता कि इस साल अंत तक भी सभी लोगों को वैक्सीन लग पाएगी। इस मौके पर कांग्रेस ओबीसी सेल के अध्यक्ष ताराचंद चौधरी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश पटियाल भी मौजूद रहे। आज जिला कांग्रेस कमेटी ने हमीरपुर ने एक ज्ञापन राष्ट्रपति को जो प्रेषित था वो जिलाधीश महोदय के माध्यम से उनको दिया है और इसमें मुख्य विषय है कि जो वैक्सीनेशन की कमी है और जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन चली है और ख़ास तौर पर जो 18 और 44 का जो आयु वर्ग है, अगर इस रफ्तार से जिस रफ्तार से अवेलेबिलिटी है इसकी अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है, सरकार इसको अरेंज नहीं कर पा रही है, इसका प्रबंधन नहीं कर पा रही है, तो जिस ढंग से अगर जिस तरीके से जिस रफ्तार से इस वक्त वैक्सीनेशन हो रही है, ऐसे में तो इनको वर्षों लग जाएंगे, जो रहे लोग हैं उनको वर्षों लग जाएंगे वैक्सीनेशन करने में, तो इस ऐसे में उनकी सभी की लाइफ को रिस्क है। तो हमारा ये कहना है कि सरकार इसके ऊपर, हम बार बार सरकार को शुरू से ही आगाह करते रहे हैं, पर सरकार इसके ऊपर जो गंभीरता है वो गंभीरता से इसका संज्ञान ले रही है। तो हमने ये महसूस किया है कि राष्ट्रपति महोदय जो संवैधानिक हमारे सबसे बड़े ओहदे पे हैं, मुखिया हैं, तो अपना दबाव डालकर इन सरकारों को इसके लिए राजी करें, इसके लिए वो एफर्ट्स करें सरकारें कि जल्दी से जल्दी जितनी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है उसको ये मुहैया करवाए, उसका प्रबंधन करे और वैक्सीनेशन सही रफ्तार से होनी चाहिए। कम से कम जैसे कि गवर्नमेंट का टारगेट है कि जैसे गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि हमने 31 दिसंबर इसी साल में 31 दिसंबर तक हमने वैक्सीनेशन पूरा कर लेना है टारगेट अपना, जो हमारी नज़र में संभव नहीं लगता। जिस रफ्तार से और जिस कमी की वजह से वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है तो वो लगता नहीं है ऐसा है। अगर वर्षों लग जाए तो सभी की रिस्क पे, सबकी जो हमारे नौजवान हैं खास करके, उनकी रिस्क पर, वो उनकी लाइफ पर बड़ा भारी रिस्क है।